ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किनू और नगड़ा टोली रांची। रामगढ़ उपचुनाव की तर्ज पर डुमरी उपचुनाव में एनडीए की ओर से आरसू प्रत्याशी उतारेगा। आरसू की ओर से यशोदा देवी को मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ आरसू के अध्यक्ष सुदेश महतो के साथ हुई बैठक में इसका खुलासा हुआ है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की रणभेदी बनने के साथ ही जिस तरह से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, उसके बाद से एनडीए और यूपीए दोनों की ओर से राजनीतिक दलों के बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली पड़ी डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। यूपीए की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बेबी देवी के सामने एनडीए के प्रत्याशी के रूप में यशोदा देवी का नाम सबसे सामने आ रहा है। वह भी भाजपा के सहयोगी दल आजसू की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने की उनकी संभावनाएँ दिखाई दे रही है। औपचारिक रूप से दो दिनों के अंदर उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। हालाँकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि यशोदा देवी के नाम पर मुहर लग जाए। आजसू डुमरी विधानसभा उपचुनाव लड़ेगा यह बिल्कुल तय है, और एनडीए की ओर से बीजेपी की ओर से सहमति भी दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि एक महिला ही दूसरी महिला को चुनौती दे सकती है। एनडीए की तरफ से आजसू की प्रत्याशी यशोदा देवी को मौका मिल सकता है। यशोदा देवी ने इससे पहले जगन्नाथ महतो को भी चुनौती दी थी। दूसरे नंबर पर रही यशोदा देवी ने काफ़ी मत हासिल किए थे, लेकिन जगन्नाथ महतो को नज़दीकी चुनौती नहीं दे पाई थी। जगन्नाथ महतो को 71,128 वोट मिले थे, जबकि यशोदा देवी को 36,840 वोट मिले थे। इस सीट पर पिछली बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को प्रदीप साहू के रूप में उतारा था, जिसे 36,018 वोट मिले थे। आजसू और भाजपा के बीच वोटों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों वोट जगन्नाथ महतो को मिले वोटों से अधिक है। यानी यशोदा देवी अगर उम्मीदवार होती हैं तो निश्चित रूप से बेबी देवी को गंभीर टक्कर दे सकती हैं। यशोदा देवी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। उनके पति दामोदर महतो आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह डुमरी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी थे। 2018 में उनके निधन के बाद 2019 में यशोदा देवी ने आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 36,000 से अधिक वोट लाकर उन्होंने यह साबित कर दिया था कि यशोदा देवी बेबी देवी को गंभीर चुनौती आने वाले दिनों में दे सकती हैं। ऐसी स्थिति में जगन्नाथ महतो के निधन का अंदेशा तो नहीं था, लेकिन अब बेबी देवी जो उनकी पत्नी हैं वो वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में ये स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद अब बेबी देवी को सहानुभूति वोट मिल सकता है। ऐसे में एनडीए की ओर से जनता वोट देने से पहले विचार करे और किस तरह से महिला प्रत्याशी खड़े किए जाएं, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। एनडीए के पास यशोदा देवी से बेहतर चेहरा मिलने की संभावनाएं काफ़ी कम दिखाई देती हैं। जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी 17 अगस्त को नामांकन करेंगी, तो वहीं 1 से 2 दिनों के अंदर यह फैसला हो जाएगा कि एनडीए का कौन प्रत्याशी होगा। हालाँकि ये आंकड़े जो बता रहे हैं वो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये बताया जा रहा है कि आजसू के प्रत्याशी को अगर बीजेपी समर्थन देता है, ऐसी स्थिति में आजसू की प्रत्याशी यशोदा देवी गंभीर चुनौती बेबी देवी को दे सकती हैं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में रणनीति के लिहाज से भी आजसू और भाजपा का एक साथ आना कड़ी टक्कर देने के लिए बेहद ही जरूरी है। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए ने यह साबित किया कि अकेले चुनाव लड़कर झारखंड में बेड़ा पार करना मुश्किल है। ऐसे में 2019 में आजसू ने अलग चुनाव लड़ा था, और उसके बाद जब 2023 में जब चुनाव लड़ा तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आजसू यहां पर भारी पड़ी, और वही स्थिति अब डुमरी में दोहराई जाएगी। देखिए, आजसू एनडीए का गठबंधन में शामिल एक मजबूत राजनीतिक दल है, और डुमरी विधानसभा चुनाव एनडीए का प्रत्याशी लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ इतना जानते हैं कि वहाँ एनडीए का प्रत्याशी होगा,
जो शासक राजनीतिक दलों का जो यूपीए गठबंधन है उसके प्रत्याशी को पराजित करेगा। बाकी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय संगठन मंत्री जी और आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी में कल वार्ता हुई, सभी पहलुओं पे विचार हुआ और सारी बातों से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। बाकी केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा, एनडीए के दोनों घटक दल आजसू और भारतीय जनता पार्टी उस निर्णय का सम्मान करते हुए मिलकर चुनाव लड़ेंगे और शासक दल को पराजित करेंगे। डुमरी से एनडीए की प्रत्याशी के रूप में यशोदा देवी का के नाम पर मुहर लगना लगभग तय है, लेकिन यह फिलहाल जरूर सवालों के घेरे में है कि आखिर किस प्रत्याशी पर नाम पर मुहर लगेगी, यह समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर तय है कि यशोदा देवी से बेहतर उम्मीदवार फिलहाल एनडीए के पास नहीं है और यही कारण है कि अब बेबी देवी को गंभीर टक्कर यशोदा देवी के रूप में मिल सकता है। डुमरी से और रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।